अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय IGTV। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे ग्लैमरस फेस का शीट मास्क लगाया है ताकि मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाए। उसके बाद मैं ग्लैमरस फेस का ही एक्वा परफेक्ट फेस प्राइमर ले रही हूँ। इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। पहले मैं इसको ड्रैग करूँगी, उसके बाद मैं इसे डैप डैप करके अप्लाई करूँगी ताकि मेरे जो भी पोर्स वगैरह हैं वो इससे ब्लर हो जाए और मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए भी मैं ले रही हूँ ग्लैमरस फेस की HD फाउंडेशन। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें SPF 15 है और ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है और ये बहुत लाइट फील होती है आपके फेस पे, आपके फेस को बिल्कुल भी केकी नहीं करती। और सबसे अच्छी बात यह कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसको पहले मैं अपने फेस पे ब्लेंडिंग ब्रश से जो है वो स्प्रेड कर लूँगी, उसके बाद मैं ग्लैमरस फेस का ही ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल भी आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सोप नहीं करता और बहुत अच्छे से आपको एयर ब्रश्ड फ्लॉलेस फाउंडेशन आपकी जो है वो ब्लेंड हो जाती है इससे। उसके बाद मैंने ग्लैमरस फेस का ही कंसीलर लिया है, इसको मैं अपने अंडर आइज़ अप्लाई करूँगी ताकि मेरी अंडर आइज़ ब्राइटन अप भी हो जाएँ और जो डार्क सर्कल्स वगैरह हैं वो भी इससे हाइड हो जाएँ। अच्छा, एक बात जो है, आपने फाउंडेशन अंडर आइज़ नहीं लगानी, फाउंडेशन के ऊपर अगर आप कंसीलर लगाएंगे तो वो बहुत ही हैवी लुक आएगा। आप अपने अंडर आई एरिया जो है उसको फाउंडेशन नहीं लगाएं, वहाँ पे छोड़ दें, वहाँ पे सिर्फ आप कंसीलर अप्लाई करें। उसके बाद उसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लैमरस फेस का ही फेस पाउडर ले रही हूँ। इस फेस पाउडर की बहुत अच्छी कवरेज है और ये बहुत ही मैट लुक देता है आपकी स्किन को। गर्मियों में अगर आप मेकअप नहीं भी करना चाहते तो आप फाउंडेशन की जगह सिर्फ इस पाउडर को भी अप्लाई करें तो गुड टू गो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनकी ये कॉन्टोर किट ली ग्लैमरस फेस की और मेरे पास ये एंगल्ड ब्रश भी ग्लैमरस फेस का है और इससे मैंने अपने चीक्स को थोड़ी सी वार्म्थ देने के लिए इनका ये कॉन्टोर शेड लगाया। उसके बाद अब आईज़ की बारी है तो उसके लिए मैं ये ग्लैमरस फेस की ही आई पैलेट ले रही हूँ। ये बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत ही पिगमेंटेड है। इसमें मैंने एक सिल्वर वाइट सा शिमर शेड लिया, इससे अपनी ब्राउ बोन को और अपने टियर डक्ट को मैं हाईलाइट करूँगी। तो मैं सेम इसी तरह अपनी दूसरी आंख पे भी अपनी ब्राउ बोन को और अपनी टियर डक्ट को हाईलाइट कर लूँगी। उसमें मैं उसके बाद मैं एक ये शिमरी सा ग्रीन शेड ले रही हूँ, मेरे जो है वो ड्रेस से मिलता जुलता, तो उसको मैं अपनी आईलेट्स पे अपनी फिंगर के साथ लगाऊंगी। तो जो शिमरी और मेटालिक शेड्स होते हैं वो आपकी फिंगर से ही सबसे अच्छे अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ये डार्क ग्रीन मैट शेड लूँगी और उससे मैं इसकी एजेस को ब्लेंड कर दूँगी और उससे मेरी क्रीज में भी एक वार्म्थ आ जाएगी और इसको मैं फिर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो भी ग्लैमरस फेस के और ये बहुत अच्छी शेप में ब्रश है। ये आपके आपकी ब्लेंडिंग इससे बहुत अच्छी हो जाती है, ना ये बहुत डेंस और ना ये बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ ग्लैमरस फेस का ही मार्कर आईलाइनर और ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, बहुत ही बटरी। उसके बाद मैंने ग्लैमरस फेस की ही आईलैशेस ली और ग्लैमरस फेस की ही मैंने आईलैश एडहेसिव ली और इसके साथ मैं अपनी आईलैशेस जो हैं वो अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी ग्लू है, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मस्कारा ले रही हूँ, इनका मस्कारा भी बहुत अच्छा है, तो इसको मैं अपनी लैशेस के लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी लैशेस और फेक लैशेस जो हैं वो सेपरेट ना लगें। उसके बाद मैंने इन्हीं की वाइट पेंसिल ली ग्लैमरस फेस की और उसको मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ग्लैमरस फेस के आई शेडो पैलेट में ही ब्लश ऑन्स के बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, उससे मैं एक डार्क पिंक सा कलर लेके अपनी चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ और ये मेरे पास जो ब्रश है ये भी ग्लैमरस फेस का ही है। और उसके बाद अब मैं ये प्रोफिक्स सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ ताकि हमने अपने फेस पे जितने भी पाउडर्स लगाए हैं वो सारे मेल्ट हो जाए और हमारी स्किन केकी ना लगे। अब ये मैंने इसका टेराकोटा हाइलाइटर लिया है, मेरे पास ये भी ग्लैमरस फेस का है और मैं इसको अपनी चीक बोन्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ये लूँगी ग्लैमरस फेस का ही फेस एंड बॉडी शिमरिंग पाउडर और इसको मैं दोबारा हल्का सा उस पर अप्लाई कर दूँगी जहाँ पे मैंने पहले अपनी चीक बोन्स पे हाइलाइटर लगाया था और मैं अपनी नेक वगैरह पे भी अप्लाई कर लूँगी इसको। और मेरे पास ये जो फ़ैन ब्रश है ये भी ग्लैमरस फेस का ही है। अब मैं आती हूँ लिपस्टिक्स पे, ये मैट लिपस्टिक्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। तो उसके बाद मैं ये ग्लैमरस फेस का लिप पेंसिल ले रही हूँ और इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी। ये लाइट पीच कलर है, तो इससे मैं अच्छे से अपनी लिप्स को लाइन करने के बाद सैटिन लिपस्टिक मैंने उसी में से अप्लाई की है सैटिन कलर। और ले जी, हमारी मेहंदी की लुक तैयार है और आई होप यू गाइज लाइक इट और आई लव ऑल द प्रोडक्ट्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।